हेलो एवरीवन, मैं उदय परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास की बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बायोडाइवर्सिटी, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और वो टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी का इंट्रो और बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है उससे वाबस्ता लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, तभी आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से जो है वो समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। इस लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको बायोडाइवर्सिटी का जो है वो पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है द वेरिएशन विद इन द ऑर्गेनिजम्स, जो ये डिफरेंट किस्म के जानदार जो डिफरेंट धरती के एरियाज में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेके जो है एनिमल्स प्लांट तक, इन सारों को जो है वो कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी से वाबस्ता कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पे भी जो है वो लिखी है। पहले हम उन जनरल चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन उनकी तरफ जो है हम बढ़ेंगे। सबसे पहली जनरल पॉइंट ये है, नेचर हैज़ मेड मैन विथ इंटेलिजेंस। इस पूरी धरती पे सबसे अक्लमंद और सबसे स्याना जानदार जो कुदरत ने बनाया है वो इंसान को बनाया है। ही इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विथ एम्स टू बी अचीव, और ये इंसान जो है अपने मकसदों को या अपनी डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो करता ही रहा है। ही Designs the things for this purpose into sequence. उस मकसद या उन डिज़ायर्स को गेन करने के लिए इसने जो चीज़ें हैं उनको जो है वो तरतीब दी है, उनको सीक्वेंस में रखा है और उन चीज़ों की जो है वो अरेंजमेंट की है ताकि वो मकसद या वो डिज़ायर्स जो है वो पूरी हो सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, ही मैप्ड द होल बायोडाइवर्सिटी इंटू सिंपल ग्रुप्स। जानदारों के मुतालिक इंसान ने जो है सारे एम्स या डिज़ायर्स जो है वो अचीव करने के लिए उसने सारी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो सिंपल ग्रुप्स में जो है रखा, टू अंडरस्टैंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअली ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। उसने उन जानदारों को जो है उन ग्रुप्स में इसलिए रखा ताकि हर एक जानदार को जो है वो अच्छी तरह से उसकी खासियतों के हिसाब से उसको जो है वो समझा जा सके। और याद रखें, ये जो काम किया है ग्रुप्स में जानदार को रखने का और उनके मुतालिक उनकी सारी फीचर्स को जो है वो स्टडी करने का, इस सिस्टम को सिंपली जो है हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। जो एक जैसी या मुख्तलिफ जो जानदार चीज़ों की जो खासियत हैं उन पे जो है मुश्तमिल ये क्लासिफिकेशन है। व्हाट ऑर्गेनिजम्स शेयर्ड विथ ईच अदर, और वो सिमिलर और डिसिमिलर करैक्टरिस्टिक्स जो जानदार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दिस ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। याद रखें, ये जो जानदार को ग्रुप में रखने का जो सिस्टम है इसको हम जो है वो क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसको हम जो है वो ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को जो है वो सीक्वेंस दी है या उनको ग्रुप्स में रखा है, और उस ग्रुप में या सीक्वेंस देने वाले सिस्टम को हम जो है वो क्लासिफिकेशन कहते हैं। याद रखें, धरती पे अभी तक देयर आर 1.5 मिलियन या 15 लाख स्पीशीज ऑन अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड एंड गिवन साइंटिफिक नेम्स। धरती पे 15 लाख या 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है उनको क्लासिफाई किया जा चुका है स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर, और उनको साइंटिफिक नेम्स भी दिया जा चुका है। जैसे कि हम इंसान एक ह्यूमन स्पीशीज हैं धरती पे, जो इतने सारे पाए जाते हैं, और इस तरह जो भी 15 लाख स्पीशीज हैं उनको ग्रुप दिया गया है और उनको साइंसी नाम भी जो है वो दिया जा चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इंसान ने जो है जानदार चीज़ों को जो है या पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो ग्रुप में रखने के लिए उसने कौन से कायदे जो है वो यूज़ किए हैं? सबसे पहला कायदा जो इसने यूज़ किया है वो है मॉर्फोलॉजी। कि मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो भी जानदार चीज़ें उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उनकी जो ये एक्सटर्नल फॉर्म है, इसके बारे में जो स्टडी ब्रांच हमें प्रोवाइड करती है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पर मॉर्फोलॉजी कल क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करके
एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी है या एक जैसी नहीं है, ये फीचर्स यूज कर मॉर्फोलॉजी को एज अ प्रिंसिपल यूज करके जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इस मॉर्फोलॉजी के अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर भी यूज की गई है, वो स्ट्रक्चर जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शंस। और इसके बाद एनालोगस स्ट्रक्चर जानदारों की जो है वो भी कंपेयर की गई है क्लासीफाई करने के लिए, और एनालोगस स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होती है बट फंक्शन में जो है वो सेम होती है। अगर आप इस तरफ से जो है एक पिक देख ले होमोलोगस ऑर्गेन की, ये ऐसे ऑर्गेन है जो स्ट्रक्चर इनकी सेम है बट इनके काम जो है वो डिफरेंट है, तो इनको जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गेन जो है वो कहा जाता है। और इन होमोलोगस स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया को यूज कर एज अ प्रिंसिपल यूज करके जानदारों को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। और इसके अलावा ये जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई है या ऑर्गेन, ये देखने ये स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट है लेकिन इनके काम जो है वो सेम है, इनको भी जो है वो एज अ प्रिंसिपल यूज करके जानदारों को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। जब इन चीजों से क्लासिफाई जो जानदार चीजें या जितनी जानदार चीजें हो सकी उतनी जानदार चीजों को ग्रुप में रखा गया, लेकिन उसके बाद कहीं पे इस प्रिंसिपल ने जो है वो लिमिट दिखाई। लिमिट का मतलब ये है कि ये जितने जानदारों पे ये यूज हो सका उतना ये यूज हो, बट उसके बाद जब ये इस प्रिंसिपल पे जो है जानदार चीजों को क्लासिफाई करना जब मुश्किल हो गया तो साइंसदानों ने जो है वो साइटोलॉजी को एज अ प्रिंसिपल बना के जानदार को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया। यहाँ पे साइटोलॉजी के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो यूज की गई है, जिनका सेल सेम है स्ट्रक्चर में फंक्शन में उनको एक ग्रुप में रखा गया एक जगह पे रखा गया, और जो डिफरेंट है उनको जो है वो अलहदा किया गया या डिफरेंट जो है यूनिट्स या ग्रुप में जो है उनको रखा गया। जब साइटोलॉजी ने एज अ प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन के लिए एक लिमिट दिखाई उसके बाद वो फुर्दर यूज नहीं किया जा सका क्लासिफाई करने के लिए, तब साइंसदानों ने जो है वो जेनेटिक्स को जो है वो एज अ प्रिंसिपल जो है वो यूज किया। जेनेटिक्स का मतलब है जानदारों के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है उसकी कंपैरिजन करके उनको जो है वो क्लासिफाई किया गया, और इसके बाद जो है वो बायोकेमिस्ट्री को एज अ प्रिंसिपल बना के जो है वो जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया। और इस प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने जानदारों के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको कंपेयर करके उनको जो है वो क्लासिफाई किया, सेम यूनिट पे रखा या डिफरेंट यूनिट पे रखा। तो ये थे प्रिंसिपल्स जिसमें मॉर्फोलॉजी साइटोलॉजी जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को जो है वो यूज करके जानदारों को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो टॉपिक है वो है एंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंसदानों ने बायोलॉजिस्ट ने या इंसान ने ये सारा काम क्लासिफिकेशन का क्यों किया, तो उसके लिए उनके कौन से मकसद थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ मकसद लिखे जो गेन करने के लिए बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने जो है वो पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो एक मैप में जो है रखा है। सबसे पहले जो एम है वो ये है फॉर इजी स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन, हर जानदार को आसानी से जो है पढ़ने के लिए उसको पहचानने के लिए इन्होंने सबसे पहले ये एम गेन करने के लिए जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया। उसके बाद सेकंड जो है वो ये है टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अंदर कौन सी फीचर्स एक जैसी है कौन सी फीचर्स डिफरेंट है इनको जानने के लिए इंडिविजुअली इन्होंने जो है जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया। इसके बाद थर्ड एम देख ले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अंदर ये देखा गया कि ये इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो कैसा है, ये कैसे जो है ये डेवलप होते हैं, जो पुराने जानदार थे वो कैसे डेवलप हो रहे थे और ये जानदार जो है ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, और इनका जो ये इर्तकाई जो डेवलपमेंट पैटर्न है इसको समझने के लिए इन्होंने जो है जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया। लास्ट अगर एम आप देख लें तो इन शॉर्ट सब ये बातें गेन करनी थी इनको अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, के जानदारों को जो है वो मुताहले करने के नजरिए से इंसान जो है वो समझना चाहता था कि हर एक जानदार या जानदार जिंदगी जो है हु दे आर, ये क्या हैं,
वेयर दे आर, ये कहाँ पे हैं, व्हाट दे आर, ये कैसे हैं। मसलन कि इन शॉर्ट आप ये इन तीनों सवालों के जवाब दे दें तो आपको वो मकसद मिल जाएंगे, वो एम्स मिल जाएंगे जो इंसान या बायोलॉजी साइंटिस्ट ने जो है वो गेन करना चाह, उस लिए उसने इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है एक नक्शे में रखा, जिसको हम जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है कुछ जनरल पॉइंट बायोडाइवर्सिटी से वाबस्ता और प्रिंसिपल और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। और आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे एक बार अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।